हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा। और हम समझ रहे थे कि कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम क्या है, कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की क्या है। तो कंप्यूटर के मेमोरी हायरार्की में जो है कैशे मेमोरी क्या है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैशे मेमोरी को डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में कैशे मेमोरी के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को कैशे मेमोरी बोलते हैं, दूसरे को मेन मेमोरी बोलते हैं। और मेन मेमोरी जो है दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक को रैम बोलते हैं और दूसरे को रोम बोलते हैं। रैम को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एस रैम और डी रैम। रोम को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई डबल पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको चार पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये दो होती है, एक को एचडीडी बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरे को एफडीडी बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ये चार होती है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचबीडी। तो बीआरडी, एचबीडी ये सब क्या है आगे के आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे और समझेंगे। फ्लैश मेमोरी जो है ये दो होती है, एक को मेमोरी कार्ड बोलते हैं, दूसरे को पेन ड्राइव बोलते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इस कैशे मेमोरी के ऊपर है। और जो है मेन मेमोरी में रैम और रोम, ये दोनों टॉपिक मैं पिछले दो वीडियो लेक्चर में कवर कर चुका हूं। तो चलिए समझते हैं कि कैशे मेमोरी क्या है। तो कैशे मेमोरी जो है इसको समझते हैं, तो कैशे मेमोरी इज ए वेरी स्मॉल मेमोरी देन रैम। तो अगर हम कंप्यूटर में कैशे मेमोरी को कंपेयर करें रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, तो कैशे मेमोरी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। बट इट इज सिमिलर टू रैम, लेकिन ये रैम के ही सिमिलर होता है। और इट इज एक्सट्रीमली फास्टर देन रैम। और कैशे मेमोरी जो होती है वो रैम से बहुत फास्टर होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैशे मेमोरी जो है बहुत स्मॉल, छोटी, वेरी स्मॉल मेमोरी है रैम के तुलना में, और ये रैम के ही सिमिलर होती है, बट रैम के कंपैरिजन में ये बहुत फास्टर होती है। तो कैशे मेमोरी इज यूज्ड इन बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू। तो अब जो कैशे मेमोरी है वो कंप्यूटर में कहाँ पर होती है, वो कहाँ होती है? तो कैशे मेमोरी जो है जो मेन मेमोरी है, रैम, रोम जिसको बोलते हैं, तो मेन मेमोरी और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, तो मेन मेमोरी यानी कि रैम, रोम और सीपीयू, इनके बीच में कहीं पे कैशे मेमोरी एडजस्ट की जाती है। इट इज यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। तो कैशे मेमोरी की क्या जरूरत पड़ती है, कैशे मेमोरी की क्या जरूरत होती है? तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है जिसको सीपीयू बोलते हैं, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कैशे मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कैसे जरूरत पड़ती है और कैसे इससे जो है कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो फास्टर हो जाता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो जाती है, तो वो आगे हम एक एक करके समझेंगे। तो आगे देखते हैं, इट इज डिजाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड
इंस्ट्रक्शंस, तो कैशे मेमोरी डिजाइंड है स्पीड अप करने के लिए, मतलब कैशे मेमोरी को यूज करते हैं जो है डेटा के ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को स्पीड अप करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले डेटा क्या है, तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल हम जब सेव करते हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम सेव करते हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह हमने बनाई है तो उसको जब हम सेव करते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब सेव करते हैं तो वो जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के सेव हो जाती है। बट जब हम उस डेटा वाली फाइल को या इंस्ट्रक्शन वाली फाइल को जब हम खोलते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ करके सीधे रैम में आ जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाती है। और प्रोसेसर जो है उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोसेस करने के लिए तो वो जो है रैम से उठाएगा। बट अगर कैशे मेमोरी है तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर जब पहली बार कोई इंफॉर्मेशन रैम से उठाएगा तो उसकी एक कॉपी जो है कैशे मेमोरी में भी प्रोसेसर डाल देता है। और सेकेंड टाइम जब प्रोसेसर को उसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो वो अब उस इंफॉर्मेशन को रैम से उठाकर नहीं लाएगा बल्कि उस इंफॉर्मेशन को कैशे मेमोरी से उठा के लाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रोसेसर का जो मतलब परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, इस केस में प्रोसेसर बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कैशे मेमोरी को डिजाइन किया गया है किस लिए, स्पीड अप के लिए, किस चीज के स्पीड अप के लिए, डेटा और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर को जो है स्पीड में, डेटा और इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर के लिए मतलब ट्रांसफर जो है वो बहुत स्पीड में हो, इसके लिए जो है कैशे मेमोरी को यूज किया जाता है। तो द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर मोस्ट रिसेंटली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन कैशे मेमोरी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शंस, जिस भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस की मोस्ट फ्रिक्वेंटली या मोस्ट रिसेंटली सीपीयू को जरूरत पड़ती है तो उस डेटा उस इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है सीपीयू, कैशे मेमोरी से उठा करके लाता है। अगर वो कैशे मेमोरी में नहीं है तो रैम से उठा के लाएगा, और रैम से जब उठा के लाएगा तो उसकी एक कॉपी जो है कैशे मेमोरी में भी छोड़ देता है और सीपीयू को उसी इंफॉर्मेशन की जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जरूरत पड़ती है तो वो रैम से उठा करके नहीं लाएगा, फिर वो लाएगा कैशे मेमोरी से उठा करके लाएगा। तो इस केस में जो है उसकी स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड जो है काम करने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। आगे समझते हैं, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिट्रीव्ड फ्रॉम रैम। तो डेटा यानी कि प्रोसेसर जब वर्क करता है तो पहली बार डेटा और इंस्ट्रक्शंस को वो कहाँ से लाता है, वो लाता है रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से लाता है। तो रैम क्या है, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है तो वहां से आप देख सकते हैं जाकर के। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर जो है पहली बार रैम से रिट्रीव करता है व्हेन सीपीयू यूजेस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब सीपीयू पहली बार किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है तो वो पहली बार रैम से लेकर के आता है। और फिर इसके बाद क्या करता है, द कॉपी ऑफ दैट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जब सीपीयू पहली बार डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रैम से लेकर के आता है तो उसकी एक कॉपी, डेटा और इंस्ट्रक्शंस की एक कॉपी जो है वो कैशे मेमोरी में भी जा करके स्टोर कर देता है। नेक्स्ट टाइम सीपीयू नीड्स दैट डेटा और इंस्ट्रक्शंस, इट्स फर्स्ट लुक
इन कैशे इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड देयर, इट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम कैशे मेमोरी इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी। तो सीपीयू ने क्या किया, रैम से जो भी इंफॉर्मेशन फेच किया उसकी एक कॉपी जो है कैशे मेमोरी में भी डाल देता है, और नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू को उसी डेटा या उसी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है तो सीपीयू अब रैम में नहीं जाएगा, मतलब रैम के पास नहीं जाएगा उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए, बल्कि अब जो है वो कैशे मेमोरी के पास जाएगा, और कैशे मेमोरी में उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रैम वाली वो मिल जाएगी, तो उसको वहां से फेच कर लेगा, वो मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा। तो मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा, उसके नीचे जो कैशे मेमोरी लगी हुई होती है वहां से इंफॉर्मेशन को फेच कर लेगा। तो इस केस में जो है डेटा का इंस्ट्रक्शन का जो ट्रांसफर है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो इन दिस वे इट स्पीड्स अप द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के वर्किंग को ये क्या कर देता है, पूरा स्पीड अप कर देता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एडवांटेज। तो कैशे मेमोरी की एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है कैशे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। तो कैशे मेमोरी जो है मेन मेमोरी यानी कि आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम भी हो सकता है, रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों मेमोरी के कंपैरिजन में कैशे मेमोरी जो है वो फास्टर होती है। इसके बाद जो है इसका जो दूसरा एडवांटेज है कैशे मेमोरी का वो है इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम। तो भाई कैशे मेमोरी का जो है वो काम ही है कि प्रोसेसर के स्पीड को बढ़ा देना, काम को बहुत स्पीड से करना। तो इसलिए जो है इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये लेस एक्सेस टाइम लेता है, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम, यानी कि किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जब प्रोसेसर कैशे मेमोरी से फेच करता है तो फेच करने में प्रोसेसर को बहुत कम टाइम लगता है, लेस एक्सेस टाइम लगता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। जो थर्ड एडवांटेज है वो है इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहा है कि कैशे मेमोरी जो है ये अपने अंदर जो है प्रोग्राम को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस के पार्ट को सेव कर लेता है अपने कैशे मेमोरी में, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है, बहुत कम टाइम में वो डेटा और वो इंस्ट्रक्शन जो है कैशे मेमोरी से प्रोसेसर फेच कर लेता है, बहुत कम टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाता है वहां से। जो फोर्थ एडवांटेज है वो है इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज। तो कैशे मेमोरी जो है मैंने बताया था कि प्रोसेसर पहली बार किसी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जो है रैम से लेकर के आता है और उसकी एक कॉपी कैशे मेमोरी में डाल देता है। तो यहाँ पे एक कॉपी जो कैशे मेमोरी में आई है वो कॉपी या वो डेटा या फिर वो इंस्ट्रक्शन टेम्पररी यूज के लिए होता है, टेम्पररी यूज के लिए होता है, मतलब थोड़ी देर के लिए ही उसमें रहता है। कुछ समय के बाद जब कैशे मेमोरी को ऐसा लगता है कि इसमें जो डेटा पड़ा हुआ है ये डेटा बहुत देर से, मान लो आधे घंटे तक इस डेटा का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, तो उस डेटा को क्या करता है वहां से मतलब हटा देता है, निकाल देता है। तो इसका जो फोर्थ एडवांटेज है वो क्या है कि इट स्टोर्स डेटा फॉर
टेम्प्ररी यूज। अब देखते हैं कि कैशे मेमोरी का जो है डिसएडवांटेज क्या है। तो कैशे मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी। तो लिमिटेड कैपेसिटी का मतलब यह है कि कैशे मेमोरी में रैम का पूरा डेटा या पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम वो कैशे मेमोरी के अंदर जो है स्टोर नहीं हो सकता है। अगर प्रोसेसर को कोई इंफॉर्मेशन रैम से चाहिए तो रैम का स्मॉल पोर्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन का स्मॉल पोर्शन ही कैशे मेमोरी में जा करके स्टोर होता है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैशे मेमोरी में स्टोर नहीं होती है। तो कैशे मेमोरी में क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने की, जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है बल्क में ये डेटा को अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकती है। इसके बाद जो है दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ही कॉस्टली मेमोरी है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी है। तो ये दो डिसएडवांटेज है। और जो है कैशे मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ पे होता है ये, तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमारे पास सीपीयू है, 1 2 3 4 का मतलब क्वाड कोर है, 4 प्रोसेसर वाला सीपीयू है। इसके बाद जो है कैशे मेमोरी को छोड़ देते हैं, इसके बाद रैम होती है और इसके बाद जो है एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। तो जब हम कोई भी फाइल या इंस्ट्रक्शंस का मतलब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब हम किसी भी फाइल को या किसी भी प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो आपकी फाइल सेव होती है एचडीडी पे, हार्ड डिस्क ड्राइव पे। लेकिन जब हम किसी फाइल या किसी प्रोग्राम पे काम करते हैं तो उस फाइल को ओपन करते हैं, उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद जो है वो फाइल लोड हो जाती है आपकी, कहाँ पे, रैम के अंदर लोड हो जाती है। और रैम के अंदर जब लोड हो जाती है तो सीपीयू को जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सबसे पहले रैम के पास जाता है। प्रोसेसर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो रैम के पास जाता है और वहां से इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेता है और उसकी एक कॉपी जो है कैशे मेमोरी में डाल देता है। तो अब जो है प्रोसेसर को सेकेंड टाइम अगर उसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो प्रोसेसर अब रैम के पास नहीं जाएगा, अब कैशे मेमोरी के पास आएगा और यहीं से जो है इंफॉर्मेशन को फेच कर लेगा। तो इस तरीके से कैशे मेमोरी ने क्या काम किया, एक तरीके से डेटा या इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर को स्पीड अप करने का काम किया, मतलब स्पीड में डेटा को ट्रांसफर और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करवा रहा है ये। तो यहाँ पे कैशे मेमोरी कहाँ पे है, तो कैशे मेमोरी जो होती है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी होती है। तो ये रही आपकी कैशे मेमोरी जो है प्रोसेसर, सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी के ये बीच में है। तो ये था कैशे मेमोरी के बारे में। अब देखते हैं कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में कैशे मेमोरी के रिगार्डिंग जो है कितने क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो इग्नू का जो है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उस सब्जेक्ट्स में जो BCS011 का जो कोड है, BCS011 के कोड में जो है क्वेश्चन मेमोरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ये जो है एक क्वेश्चन तो मेमोरी से होता ही होता है। तो हमने पिछले एक दो लेक्चर में रैम और रोम वाली जो है मेमोरी के बारे में डिस्कस वगैरह किया है
तो इसमें हम कैशे मेमोरी के सारे क्वेश्चन देखेंगे, और जो है बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम आगे के आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायोग्राम व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर साइंस। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2011 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गिवन द थ्री स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क के बारे में बताना है, आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। पेन ड्राइव के बारे में बताना है, ये भी आगे करेंगे। मैग्नेटिक टेप, ये भी आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। व्हाट विल बी देयर प्राइमरी यूजेस, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इच ऑफ दीज सेकेंडरी मेमोरीज। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2011 में। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज दैट आर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। व्हाई डू यू नीड सेकेंडरी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर इवन इफ सफिशियंट प्राइमरी मेमोरी में भी अवेलेबल। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया है दिसंबर 2012 में, और कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज क्या होती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बताना है। तो इस वाले पार्ट को मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर से लेकर के अभी तक मैंने सारा कवर किया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है, तो एक तो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है। दूसरा जो है आप बताओगे मेन मेमोरी में रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या है, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा दिया है। और थर्ड आप इसमें बताओगे कैशे मेमोरी क्या है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज दैट आर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज है उसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली आपको रैम, रोम और कैशे मेमोरी को बताना है। तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख करके इन तीनों को आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसके बाद जो है, व्हाई डू यू नीड सेकेंडरी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर इवन इफ सफिशियंट प्राइमरी मेमोरी में भी अवेलेबल। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड गिव देयर एडवांटेज। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2012 में। आगे जो है, एक्सप्लेन द रोल एंड फीचर ऑफ कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कैशे मेमोरी जो है हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो इस वाले पूरे वीडियो लेक्चर को आप देख करके, और चाहे तो आप अपना भी कुछ ऐड करके, या इतना ही आप कैशे मेमोरी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी में आपको बताना है रैम क्या है और रोम क्या है। तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर में मैंने रैम और रोम को कवर किया हुआ है। तो मेरे उन दोनों वीडियोस को आप देख करके रैम और रोम के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन जून 2013 में। अगला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस वीडियो लेक्चर का जो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने मेमोरी हायरार्की का जो पूरा का पूरा डायोग्राम है वो डायोग्राम बनाना है, और सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो जिसमें आप प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, रोम, कैशे मेमोरी, तो अभी तक मेरे वीडियोस को देख करके उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी की चीजें आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2013 में।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव? HDD के बारे में हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद जो है, डिस्क्राइब द स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए HDD विद हेल्प ऑफ ए डायग्राम। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम? कंपेयर मैग्नेटिक मेमोरी विद द सेमीकंडक्टर मेमोरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हायरार्की की क्या नीड है? तो मेमोरी हायरार्की का डायग्राम बना करके और जितने भी मेमोरी के पार्ट्स हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो जो है, आप रैम, रोम और कैशे मेमोरी के बारे में राइट कर सकते हो मेरे वीडियोस को देख करके। मैग्नेटिक मेमोरी ये हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम होता है। तो रैम के बारे में बताना है और रोम के बारे में बताना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेन मेमोरी? डिफरेंशिएट अमंग रैम, सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या है ये बताना है। इसके बाद रैम क्या है और सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब आपका रोम हो गया। यहाँ पे रैम और रोम ये दोनों ही होती है, बट रैम ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे रोम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रैम, रोम और कैशे मेमोरी इन तीनों के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, मेरे पिछले 3 वीडियो लेक्चर को आप देख करके आंसर दे सकते हैं। यानी कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने रैम को भी कवर किया हुआ है, रोम को भी कवर किया हुआ है और इस वीडियो लेक्चर में मैंने कैशे मेमोरी को भी कवर किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप मेरे पिछले 3 वीडियोस को जो है देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया है जून 2015 में। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की यूज्ड, व्हाट इज ए मेमोरी हायरार्की यूज्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी हायरार्की की क्या यूज होती है वो बताना है। एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की डायग्रामेटिकली गिविंग द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी एज वी ट्रेवर्स द हायरार्की। तो पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की और सारे पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया दिसंबर 2015 में। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स एज अप्रोप्रिएट। रोम के बारे में बताना है, रीड ओनली मेमोरी। तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने रोम को एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है, अगेन व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करो। व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम? तो आपको जो है मेमोरी की पूरी हायरार्की का डायग्राम बनाना है और सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा स्किलफुली थोड़ा सा बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम में उसका क्या यूज है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 में। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड गिव देयर एडवांटेज। ये क्वेश्चन आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 में। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मेमोरी सिस्टम एंड द रोल ऑफ कैशे मेमोरी इन द मेमोरी हायरार्की।
तो इसमें बताना है कि मेमोरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो मेमोरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, तो प्राइमरी मेमोरी मतलब मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये थोड़ा सा बता करके फिर प्राइमरी मेमोरी में जो है आपका कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी पे जा करके आपको कैशे मेमोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जो है कैशे मेमोरी जो है इस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है, तो वो देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2017 में। अगला जो क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फॉलोइंग एस रैम वर्सेस डी रैम। तो एस रैम के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। डी रैम को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया है, ये आप वहां जा करके देख सकते हो। सिम और डिम क्या है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सिम और डिम के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आप देख लेना। इसके बाद रोम क्या है और पी रोम क्या है, तो अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है, वहां से आप जा करके समझ सकते हैं। सी डी रोम क्या है और यूएसबी ड्राइव क्या है, ये आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2017 में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सप्लेन स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, एस रैम बोलते हैं स्टैटिक रैम को और डी रैम बोलते हैं डायनेमिक रैम को, तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, तो एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है वो बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है जून 2018 में। अगला जो है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी रोम एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो मेमोरी हायरार्की का पूरा जो है डायग्राम बना करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बट उसके अंदर जो सी डी रोम है उसको जो है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, तो आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है जून 2018 में। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी एज सेकेंडरी स्टोरेज। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर। एक्सप्लेन द प्राइमरी टास्क इट नीड्स टू परफॉर्म। तो मेमोरी हायरार्की के ऊपर सारी वीडियोस कवर करने के बाद, उसको समझने के बाद, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिकली दे पाएंगे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है जून 2019 में। तो ये था सारा क्वेश्चन जो इग्नू के कंप्यूटर साइंस में कैशे मेमोरी के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।